नमस्कार, मैं मोहन दुबे, VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास कर उनकी नींव रखी। साथ ही उन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का उद्घाटन भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत ने कोविड आपदा में आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है। राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का कार्यक्रम और इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का उद्घाटन इसी दिशा में एक अहम कदम है। पीएम मोदी ने कहा, 2014 के बाद से राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी। इनमें से 7 मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। आज बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा में नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की शुरुआत हुई है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पंजाब के कांग्रेस सरकार में चल रहे संकट को लेकर अब वरिष्ठ कांग्रेसी कपिल सिब्बल ने नाराजगी जताई है। पार्टी के लीडरशिप पर सवाल उठा चुके सिब्बल ने कहा, कांग्रेस का कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, पर कोई न कोई फैसला तो ले ही लेता है। गलत हो सही हो, ये चर्चा वर्किंग कमेटी में होनी चाहिए। लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। जी हुजूर 23 वाले बयान पर कपिल सिब्बल घिर गए हैं। नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने गेट वेल सून कपिल सिब्बल की तख्तियां दिखाई। यही नहीं, पार्टी नेताओं ने भी उन पर निशाना साधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं। लुधियाना में सीएम केजरीवाल ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और राज्य की जनता से हेल्थ सेक्टर को लेकर 6 बड़े वादे किए। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता को फ्री बिजली देने का वादा किया था। साथ ही सरकारी अस्पतालों को ठीक कराया जाएगा, पंजाब के हर शख्स को मुफ्त और अच्छा इलाज, मुफ्त दवाइयाँ और ऑपरेशन होंगे। पंजाब के हर व्यक्ति को हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। राज्य में 16,000 पिंड क्लिनिक खोला जाएगा। रोड एक्सीडेंट में घायल हुए व्यक्ति के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। ऐसी घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हुई मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि पुलिस की मारपीट से मनीष की मौत हुई है। इस केस में 2 बड़े मोड़ सामने आए हैं। पहला ये कि कानपुर प्रशासन ने तड़के मनीष का अंतिम संस्कार करा दिया है। प्रशासन का कहना है कि ये कदम परिवार की सहमति से उठाया गया है। दूसरा, एक दिन पहले ही गोरखपुर के DM और SSP का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे मनीष की पत्नी को धमकी भरे अंदाज में केस दर्ज न कराने की सलाह दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की घटना पर कड़ा रुख दिखाया है। CM ने दोषी पाए जाने पर पुलिस वालों की बर्खास्ती के आदेश दिए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। अखिलेश यादव ने परिवार के लिए 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग योगी सरकार से की है। उन्होंने 20 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले 3 दिन से दिल्ली में सक्रिय हैं। इससे पंजाब की सियासत में हलचल बढ़ गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। कैप्टन की दिल्ली में सक्रियता से पंजाब में उनके अगले कदम को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। उधर कुछ TV चैनलों के अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी आवास पर मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके BJP में जाने को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। इन सभी अटकलों और चर्चाओं पर लगाम लगाते हुए अमरिंदर सिंह ने आज कहा कि वो भाजपा पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका के कारण हर साल होने वाले नुकसान और नदी छोड़ने की योजना पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाकर प्रधानमंत्री से मिलने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया कि पत्र लिखेंगे तब न पढ़ेंगे, मीडिया में चिट्ठी लिखने से नहीं होगा। नीतीश कुमार की इस प्रतिक्रिया के बाद तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी के पाने का एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी डाला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि लगता है मुख्यमंत्री जी ही नहीं बल्कि संपूर्ण मुख्यमंत्री सचिवालय भी थक चुका है, जो नेता विरोधी दल के पत्र को भी CM तक नहीं भेजते हैं। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने RKS भदौरिया की जगह ली है। RKS भदौरिया 42 साल की सेवा के बाद आज रिटायर हुए हैं। नए वायुसेना प्रमुख चौधरी वायुसेना की पश्चिम वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में भी काम कर चुके हैं। इस कमान के पास संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में VR चौधरी के नए वायुसेना प्रमुख बनने के बाद चीन के साथ संबंधों में कुछ हद तक सुधार आने की उम्मीद की जा रही है। वहीं रिटायरमेंट से पहले निवर्तमान वायुसेना प्रमुख
आरकेएस भदौरिया ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अगले हफ्ते से पाकिस्तान में शुरू हो रहे शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के आतंकवाद निरोधी अभ्यास में भारत भी हिस्सा लेगा। इस जॉइंट एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए भारत की एक 3 सदस्यीय टीम पाकिस्तान के नौशेरा जिले के पब्बी में जाएगी। इस संयुक्त अभ्यास का नाम पब्बी एंटी टेरर एक्सरसाइज 2021 है, जो 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। पाकिस्तान से तल्ख रिश्तों के बावजूद भारत ने इस संयुक्त अभ्यास में शामिल होने का फैसला लिया है। दरअसल भारत सरकार का मानना है कि शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के इस अभ्यास में हिस्सा लेने से सीमा पार आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को लेकर उसके रुख पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इस अभ्यास में भारत की मौजूदगी मध्य एशिया में सुरक्षा संबंधी मसलों पर, खास तौर पर अफगानिस्तान को लेकर, नई दिल्ली की अहमियत को दर्शाएगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है। DDMA ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। आदेश में सार्वजनिक स्थानों, ग्राउंड, मंदिर और घाटों पर छठ पूजा आयोजित करने पर पाबंदी लगाई गई है। DDMA ने लोगों से घरों में पूजा करने की अपील की है। इसके साथ ही त्योहारी सीजन में मेले, फूड स्टॉल, झूला, रैली, जुलूस आदि की अनुमति भी नहीं होगी। DDMA का ये आदेश 15 नवंबर तक लागू रहेगा। बता दें कि राजधानी दिल्ली में अभी कोरोना वायरस का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। दिल्ली में अभी भी कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि अब संख्या बेहद कम है, लेकिन सरकार कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है। पुणे की एक महिला मूर्तिकार सुप्रिया शिंदे ने पवार के पुतले को तैयार किया। ये 9 फीट ऊंचाई वाले धातु से बनाया गया है। पुणे के अंबे गांव में इसका निर्माण हुआ। प्रतिमा को देखने के लिए बारामती से सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले पहुंची और शिंदे की कलाकारी की जमकर तारीफ की। सुप्रिया शिंदे ने इससे पहले राजमाता जिजाऊ, मान साहेब और बाल शिवाजी की धातु की मूर्ति भी बनाई है। सुप्रिया शिंदे ने बताया कि इस प्रतिमा के निर्माण में 1.5 टन धातु का इस्तेमाल किया गया है। पवार की इस प्रतिमा को बनाने में 8 महीने का समय लगा है। शिंदे ने प्रतिदिन 10 घंटे काम करके ये प्रतिमा तैयार की है।